नमस्कार, बीएड सेकंड ईयर की संस्कृत और हम लोग जो बात कर रहे थे महाविद्यालय परिचर्चा की, इसके अंदर हमने देखा कि महाविद्यालय में परिचर्चा से संप्रेक्षण बहुत अच्छा हो जाता है। एक शिक्षक जब महाविद्यालय में इस प्रकार की परिचर्चा को अटेंड करता है तो वो किसी भी जगह जब विचार का आदान प्रदान करता है तो उसके अंदर उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, व्याकरण एक शुद्धता उसके अंतर्गत आ जाती है। तो उस बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान, मतलब कि जो ऑनलाइन विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब कि जैसे कि हम आज हमने देखा कि पहले हमें किसी प्रकार का कार्य होता था या फिर किसी समय जो सूचना चाहिए थी हमें व्यक्ति के पास स्वयं जाना होता था, लेकिन आज देश विदेश में बैठे व्यक्ति से हम घर बैठे ही किसी भी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अमेरिका बैठे हुए व्यक्ति से हम लोग किसी विशेषज्ञ से किसी कार्य के बारे में हमें पूछना है या किसी विशेष संबंधित जानकारी लेनी है तो हम घर बैठे ही उसे मैसेज के द्वारा, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम लोग बात कर सकते हैं और अपनी जो आत्मसंतुष्टि है वो प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो धन है उसका भी कम खर्च होता है, क्योंकि एक तो व्यक्ति के पास जा रहे हैं वहाँ पर हमें जाने का खर्चा, आने का खर्चा होता है, समय जो हमारा वेस्ट होता है वो चीज अलग रहती है। तो ऑनलाइन के अंतर्गत हमारे समय की और धन की दोनों की बचत देखी जाती है। तो इस प्रकार हम देखें तो किसी भी विषय से संबंधित जानकारी के लिए ऑनलाइन मैसेज द्वारा, चैटिंग जिसे मैसेज के द्वारा करते हैं हम चैट कहते हैं, चैटिंग के द्वारा हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉल द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम लोग बात करते हैं, उस प्रकार से हम जानकारी विशेषज्ञों से ले सकते हैं। इसके बहुत से लाभ हैं, समय की बचत, धन की बचत है और भी बहुत सारे लाभ हैं। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग वैचारिक आदान प्रदान को स्पष्ट करते हैं। आधुनिक युग इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से लिखकर बातचीत की प्रक्रिया संपन्न होती है। आधुनिक युग में इंटरनेट के माध्यम से लिखकर बातचीत की प्रक्रिया संपन्न है, जिसे क्या कहते हैं, इसे चैट कहते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ से प्रश्न पूछकर जिज्ञासा शांत की जा सकती है। ठीक है, ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान में विशेषज्ञ जो विदेश में बैठा हो उससे भी प्रश्न पूछकर जिज्ञासा शांत की जा सकती है। इसके अलावा मैसेज लिखकर हम संपूर्ण जानकारी कुछ ही समय में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक से अधिक व्यक्तियों से बात की जा सकती है। हम जैसे महाविद्यालय परिचर्चा के अंतर्गत विशेषज्ञ वहां पर
ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के माध्यम से जो जानकारी है वो हम एक तरह से अगर हम मैसेज के अंदर हम हाव हाव नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब वीडियो चैटिंग की जाती है तो उसके अंदर व्यक्ति पूर्ण हाव भाव द्वारा प्रस्तुतिकरण करता है। तो इससे कि क्या होता है कि जानकारी है वो सटीक जानकारी हमें मिलती है। एक तो होता है हम किसी को पढ़कर स्वयं समझते हैं और एक हमारे प्रत्यक्ष रूप में हाव भाव आंगिक प्रदर्शन के द्वारा जो चीज हमें मिलती है तो वो ज्ञान है, वो हमारा व्यवहारिक ज्ञान के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो वीडियो चैटिंग के माध्यम से हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, उसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा समूह के साथ चर्चा के लिए जाता है, क्योंकि आज हम देखें तो मोबाइल में हम घर बैठे ही किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हम प्राप्त
जहां पर सरलता रखते हैं हम उस कार्य को पहले करते हैं। एक चीज आप किताबों के पन्ने को छाट कर बहुत सारे पन्नों को देखना पड़ता है, फिर आप ढूंढ रहे हैं और एक चीज ऑनलाइन आपको तुरंत मिल जाती है। तो हम लोग किताब को देखने के बजाय हम लोग ऑनलाइन देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो ऑनलाइन कब देखा जाएगा, जब हम उसको हमारे उपयोग में लेंगे, उस चीज को हम सीखेंगे तब हमारे सामने आएगा। तो इसके माध्यम से एक शिक्षक है, एक विद्यार्थी है, वो कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करना सीख जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त करना सीख जाता है। यह है लाभ। दूसरा लाभ है उपयोग। इसका उपयोग, इसका ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। अब ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। जैसे कि हम कहीं बैठे हैं, किसी भी ऑनलाइन को हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, अब समस्या आ जाती है किसी शब्द का हमें सटीक अर्थ नहीं मिल रहा होता है, तुरंत हम लोग वेबसाइट पर गए, हमने सर्च मारा और उसका अर्थ हमें सामने देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है, हमने एक विचार किसी का हमने लिया और उसको ग्रहण किया। तो देखिए, तो हम बात करें तो विभिन्न कार्य इस इंटरनेट या ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान के द्वारा किए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कार्य हो, अगर हम देखना चाहते हैं तो घर बैठे विद्यालय की बात करें तो कहीं भी किसी प्रोग्राम के अंतर्गत, कक्षा कक्ष के अंतर्गत एक अध्यापक जब उसे ऐसी समस्या महसूस होती है तो उसका निराकरण के लिए वो ऑनलाइन विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। तो विभिन्न कार्य या अनेक कार्य किए जा सकते हैं इसके माध्यम से। नेक्स्ट है धन का व्यय कम होता है। धन का व्यय कम होता है। किसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उस किताब को खरीदते हैं, उसमें नहीं मिलता है तो हम कोई अन्य किताब खरीदते हैं, तो इसमें धन व्यय हो रहा है। अब इंटरनेट का जो पैकेज है वो अनलिमिटेड मिलता है। आजकल जो वर्तमान में देखें तो असीमित उसका उपयोग करने की फैसिलिटी भी मिल रही है, तो आप चाहो तो जितना उसका उपयोग कर सकते हो। किताब एक बार हमने एक बार खरीदी तो हम उसे दोबारा उसको दूसरी खरीदनी पड़ेगी हमें। हम उस किताब को, अगर उसमें कुछ मैटर नहीं है तो हमें दूसरी खरीदनी पड़ेगी, उस किताब को हम देकर दूसरी किताब नहीं ले सकते हैं। लेकिन इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जब किसी कार्य का कार्य हमें नहीं पसंद आया तो हम उसको और सर्च मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास असीमित इंटरनेट की सुविधा हमें उपलब्ध हो रही है। तो इसके माध्यम से अगर हम बोले तो धन का कम व्यय होता है, एक उदाहरण के माध्यम से हमने देखा। नेक्स्ट है लाभ है, वो है ऑनलाइन चैट या समूह के साथ ऑनलाइन चैट एक व्यक्ति या समूह के साथ की जा सकती है। समूह के साथ ऑनलाइन चैट एक व्यक्ति या समूह के साथ की जा सकती है। अब यहां पर हमें पूर्व में कोई निश्चय नहीं करना है, जरूरत हो तो हम एक व्यक्ति से के व्यक्ति से हम लोग विचार आदान प्रदान कर सकते हैं, और अगर हमें जरूरत महसूस हो तो हम समूह के अंतर्गत भी ये बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर कोई हमें पूर्व निश्चित नहीं करना हो, यहाँ पर कोई अलग से धन व्यय नहीं करना या अलग से समय नहीं लेना, उसी समय हम लोग अनेक प्रकारों को अनेक प्रकार एक मैसेज भी हमने सभी को फॉरवर्ड कर दिया, अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे, हम लोग अलग अलग प्रकार के विचारों से अवगत हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति से या अनेक व्यक्तियों से हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये लाभ है। नेक्स्ट है अलग अलग विशेषज्ञ द्वारा जानकारी प्राप्त होना। यहां पर एक बात की और विशेष होती है कि हम अलग अलग विषय, जैसे हम बाहर बैठे व्यक्ति कोई विदेश बैठा है उससे भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग विशेषज्ञ द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज अगर हम देखें तो हम किसी चीज को सीख रहे हैं, कहीं पर हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वहां पर हम पे करेंगे और उस क्लास को अटेंड करेंगे, हम वहां पर ये नहीं कर सकते कि हमें एक कोर्स
विचार प्राप्त होते हैं और उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, लिखित रूप में भी हम विचारों को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। ये लिखित विचार पीडीएफ के माध्यम से या फिर किसी स्क्रीनशॉट के माध्यम से किसी भी प्रकार से हमें प्राप्त हो सकते हैं और हम उसे सेव करके भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देश विदेश की जानकारी हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देश विदेश की जानकारी है घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उसका निराकरण हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये सारे लाभ, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन बेचारे आदान प्रदान से संबंधित प्रश्न बताया कि संस्कृत शिक्षण में ऑनलाइन आदान प्रदान कहाँ तक महत्वपूर्ण है या उसके लाभ क्या है। तो हम लोग उससे संबंधित किसी टॉपिक को लेते हुए कि भी ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, इससे संबंधित जानकारी हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं, बना भी हम लोग उसको सकते हैं। तो ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान जो हम और आप आज जो चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वेबिनार वगैरह जो आप अटेंड कर रहे हैं, ये सारा चीज किससे प्राप्त हो रही है? ऑनलाइन ही प्राप्त हो रही है। तो ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान कक्षा कक्ष के अंतर्गत कक्षा से बाहर हम घर बैठे कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन वार्ता। विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन वार्ता टॉपिक हमारा है। ये छोटे छोटे टॉपिक है जो कि एक बड़े प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों के आ सकते हैं। तो ऑनलाइन वार्ता मतलब कि ऑनलाइन जो बातचीत की जाती है, ऑनलाइन हम बात करते हैं, वो उनके ऑनलाइन मतलब किस प्रकार की जाती है, वो क्यों की जा सकती है। तो ऑनलाइन वार्ता अगर हम बात करें कक्षा में, अगर एक अध्यापक अगर बात करें कि अध्यापक को एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि बच्चे बहुत ही अनुशासनहीनता कर रहे हैं, इससे कि जो उनका जो शिक्षण स्तर है भाई, पर एक अध्यापक जब ये चीज़ें देखता है तो उसका जो पढ़ाने का जो रुचि होती है, प्रभावपूर्णता होती है, वो कम होती जाती है। क्योंकि अगर हम देखें बच्चे को हम समझा रहे हैं, बच्चा समझने ही नहीं जा रहा है, तो एक अध्यापक है वो किस हद तक कब तक सहन करेगा। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो वो तुरंत अपनी भावनाओं विचारों को विशेषज्ञ द्वारा बात करके क्लियर कर सकता है, इसी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। एक अध्यापक है वो कक्षा में किस प्रकार पढ़ाए, किन किन शिक्षण विधियों का उपयोग करे, कहाँ तक कौन सी शिक्षण विधि उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम बात करें किसी समस्या के संदर्भ में कि कोई समस्या है, तुरंत अगर एक अध्यापक को आ गई है उसको स्पष्ट करना है, तो ऑनलाइन जो वार्ता है उसके माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। किसी विशेषज्ञ को कॉल के द्वारा, ईमेल द्वारा हम लोग भेजते हैं लेटर वगैरह, फिर वो हमें कंसल्ट करते हैं, क्योंकि बात करने से पूर्व हम लोग उनसे बात तो करेंगे तभी अगर वो परमिशन के पास समय है या नहीं, उससे संबंधित हम लोग समय लेकर फिर बात करते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं, समस्या का समाधान किस प्रकार होगा, वो किस प्रकार स्पष्ट होगी, वो सारी जानकारी हमें ऑनलाइन वार्ता के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो विशेषज्ञ द्वारा यदि अगर हम कहें कि कक्षा कक्ष में अभिभावकों से संबंधित है, विद्यालय से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, किसी भी प्रकार की अगर समस्या विद्यालय में आ रही है, तो एक अध्यापक, एक छात्र, एक अभिभावक विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा वार्ता करके, बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो अगर हम बात करें विशेषज्ञ के साथ ऑनलाइन वार्ता, तो ऑनलाइन वार्ता के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने में आसानी होती है। अगर हम बात करें इसके लाभ या उद्देश्य, इसके उद्देश्य आवश्यकता
या महत्वपूर्ण कि हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देखेंगे संतुष्टि और आत्मगौरव, संतुष्टि और आत्मगौरव। अब और विश्व के साथ बात करके हमें संतुष्टि और आत्मगौरव क्यों प्राप्त होगा। संतुष्टि यानी कि किसी कार्य को हमने सही किया है, हम सही हैं वो बात। तो अगर किसी समस्या उत्पन्न हो रही है, तुरंत अगर फोन लगाया जाए या उस समस्या से संबंधित किसी बात को ईमेल की जाए और फिर वो समस्या का समाधान अगर हमें मिल जाता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है तो यदि अगर कक्षा में उसका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में नहीं आया या वो जो समझाना चाहता है बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं तो वो अध्यापक संतुष्ट नहीं होता है। क्योंकि वो पढ़ा रहा क्यों है, ताकि बच्चे उसको व्यवहार में ले। यदि बच्चे उसको व्यवहार भी नहीं ले रहे हैं तो बच्चों ने समझा नहीं है। तो अगर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो वो तुरंत फॉर्म वगैरह लगाकर या फिर ईमेल द्वारा जानकारी प्राप्त करता है, समस्या का समाधान करता है, वो संतुष्ट हो जाता है कि मुझे अब क्या करना है। इसके अलावा सवालों को वो उठाते हैं तो एक अध्यापक अपने आप में गौरवान्वित होता है। तो कभी ऐसी समस्याएं आए, ऑनलाइन उनको बातचीत करके उसको समाधान किया जाए तो उससे संतुष्टि और आत्मगौरव दोनों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है विश्वसनीय एवं प्रमाणिक। विश्वसनीय एवं प्रमाणिक। विश्वसनीय प्रमाणिक मतलब कि जब विशेषज्ञ से बात करते हैं कि वो अनुभवी व्यक्ति है, उनसे हम लोग हम बात क्या हमसे अनुभवी व्यक्ति से ही वो चीज बात करेंगे। हमें किसी समस्या हमें देखने को मिल रही है तो उसका समाधान के लिए हम हमारे अनुभवी व्यक्ति से ही हम लोग बात करते हैं। तो उनसे जो प्राप्त करते हैं वो विश्वसनीय और कैसे होते हैं, प्रमाणिक होते हैं, जिनका प्रमाण सभी को बताते हैं कि आपको ये समस्या क्यों आ रही है और इस समस्या का समाधान ये होगा। उनके पास प्रमाण है, उन्होंने अनुभव लिया है इतने वर्षों का, तब उनके पास ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से ये जो तथ्य प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय और प्रमाणिक प्राप्त होते हैं जो बातचीत के द्वारा हमें देते हैं। इसके अलावा सकारात्मक भाव जागृत होते हैं। सकारात्मक भाव जागृत इनके द्वारा सकारात्मक भाव जागृत होते हैं। मतलब कि एक अध्यापक है, वे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो ये सोच रहे कि तो नहीं पढ़ पाएंगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप ये प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम है। लेकिन वही शिक्षक इस बात को सोचे कि बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, दृष्टिकोण उसका क्या हो, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, उसका वो समाधान निकाले, उसको सर्व करे कि भाई हाँ बच्चों की समस्या आ रही है इसी कारण बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर समस्या की ही है, बात हम कब करेंगे किसी विशेषज्ञ से, जब हमें कोई समस्या आएगी, जब हम महसूस करेंगे कि हमारा जो शिक्षण का स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, हमारी अचीवमेंट है वो कम होती जा रही है, क्योंकि बच्चों की शैक्षणिक निष्पत्ति वो नीचे की ओर जा रही है, तब हम किसी विशेषज्ञ से बात करेंगे। तो समस्या होगी तभी बात की जाएगी। तो अगर हम बात करें कि सकारात्मक भाव, एक अध्यापक ये सोचे कि बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसका कारण पता लगाए, तो इससे जब वो बात करेगा किसी से, जब उसे ये सारी जानकारी मिलेगी तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा, ठीक है। इससे सकारात्मक भाव जाएगा क्योंकि उसे जो बताने वाला है वो बताएगा कि आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे आपको ये लाभ होगा, बच्चों को ये चीज मिलेगी, अभिभावक इतने संतुष्ट होंगे, अभिभावक है उनको जो चाहिए वो उनको मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर बात अगर कोई व्यक्ति उसको समझाएगा तो एक अध्यापक के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना जागृत होगी। नेक्स्ट है विश्वस्तरीय एवं विश्व एवं राष्ट्रीय स्तरीय विशेषज्ञों द्वारा जितनी बार ऑनलाइन
राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग स्टेटों से हम लोग जानकारी ले सकते हैं, तो किसी से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी जगह हेल्पलाइन नंबर, अगर हम अगर कोई भी कार्य होता है, मतलब किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उससे संबंधित नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कक्षा में उसी चीज़ को कार्य, जैसे कोई वेबिनार हुआ है, कोई शिक्षा वीडियो के बारे में, उदाहरण ले शिक्षा वीडियो के बारे में वेबिनार हुआ है, यदि हमें फिर भी समस्या आएगी, हमने शिक्षा वीडियो के से संबंधित वेबिनार को अटेंड किया जो कि ऑनलाइन था, अटेंड किया, अटेंड करने के बाद हम लोगों को फिर भी समस्या आ रही है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, हम उससे संबंधित जानकारी वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग स्तर के विश्व और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है विविध विचारों का समावेश, विविध विचारों का समावेश। देखिए बात है, हम बहुत सारे ऐसे अधिकारियों से बात कर सकते हैं, विभिन्न विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं, तो विभिन्न विचार हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग होता है, ऑनलाइन कार्य किया जा रहा है, समय की बचत और धन की बचत हो गई, वैसे हमने जैसे इंटरनेट का जो पैकेज लिया उसी के अंदर सारा कार्य हो रहा है, तो धन और समय की बचत तो हो ही रही है। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास का मार्ग, सर्वांगीण विकास का मार्ग अध्यापक को समस्या आ रही है ऑनलाइन सब देखकर और बच्चों की जो विचार है जो कोलाहल है उनको दूर कर देता है, और अध्यापक है वो पूरी तरह से बच्चों के विकास से जुड़ा हुआ है, उसे कहीं भी प्रॉब्लम आती है वो तुरंत उस समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, तो इससे क्या होगा बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव है। यहाँ पर हम देखें तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है छात्रों में रुचि उत्पन्न, छात्रों में रुचि उत्पन्न अध्यापक है अपने विचारों के अंदर बदलाव करता है, अलग अलग चीजों को लागू के समक्ष प्रस्तुत करता है, अपने प्रकरणों के अंतर्गत नवीन तथ्यों का नवीन शिक्षण विधियों का समावेश करता है, तो विद्यार्थी है वो भी पढ़ने में रुचि लेते हैं। तो ये देखा हमने वैचारिक आदान प्रदान और विशेषज्ञ स्तर ऑनलाइन का, इसके बारे में आप लोगों के लिए गहरे प्रश्न आज का जो वो है वैचारिक ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान, ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान तथा विशेषज्ञों द्वारा विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन वार्ता से क्या तात्पर्य, ठीक है, दोनों का एक विभिन्न के प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको आंसर लिखना है। और अपने आप लोगों से निवेदन है कि इस समय आप लोग जो ये कठिन समय चल रहा है इसके अंतर्गत आप लोग घर से जब भी बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए, बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें, यदि सार्वजनिक स्थलों पर आप जाते हैं तो हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें।